स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी है, इस सवाल पर सालों से लोगों के बीच बहस चली आ रही है। जो लोग इसे मांसाहारी मानते हैं उनकी दलील है कि मुर्गी नॉनवेज है, इसलिए उसका अंडा भी नॉनवेज हुआ। कुछ तो ये भी कहते हैं कि अंडे से चूजा निकलता है, इसलिए ये मांसाहारी है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग अंडे को शाकाहारी बताते हैं उनका तर्क ये होता है कि जब गाय से निकला दूध शाकाहारी है तो फिर मुर्गी से निकला अंडा शाकाहारी क्यों नहीं हो सकता। लेकिन इस विषय पर वैज्ञानिकों की खोज क्या कहती है, चलिए जान लेते हैं। जिन लोगों का ये मानना है कि अंडे से चूजा निकलता है इसलिए वो नॉनवेज है, उन लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि मुर्गी अंडा देती कैसे है। दरअसल मुर्गी हर 1-1.5 दिन पर अंडा देती है, मगर ये जरूरी नहीं कि वो अंडा मुर्गे के संपर्क में आने से ही बना हो। बिना मुर्गे के संपर्क के आए मुर्गी जो अंडा देती है उनसे चूजे नहीं निकलते। वैज्ञानिकों की भाषा में इसे अनफर्टिलाइज्ड एग कहते हैं और ये शाकाहारी माना जा सकता है। मुर्गी जो अंडा मुर्गों के संपर्क में आने के बाद देती है उसे मांसाहारी माना जा सकता है। इन अंडों में गैमेट सेल मौजूद होती हैं, जिनसे चूजे निकलते हैं, इसलिए ये नॉनवेज होते हैं। बाजार में जो अंडे बिकते हैं वो फार्म में बनते हैं। किसान वैसे ही अंडे बेचते हैं जिनमें से चूजे नहीं निकल सकते। जिन अंडों से चूजे निकलने की संभावना होती है वे उसे फार्म में ही रखते हैं ताकि मुर्गा या मुर्गी की संख्या बढ़ सके। उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जय